आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चावल के आटे के कलरफुल पापड़ बनाने की रेसिपी। तो जैसे पापड़ आप मार्केट से लेते हैं ना, वैसे ही पापड़ की रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके पापड़ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले एक बोल में मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है और इसमें हम जो है 2 कप पानी डालेंगे। तो पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जिससे कि चावल के आटे में लम्स ना पड़े। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसको मिक्स करती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, इस तरीके से आटे में जो है लम्स नहीं पड़ेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी का पानी है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर हमें एक बोल में 1 कप चावल के आटे में 2 कप पानी जो है ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा 2 कप पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं जो पानी है वो ऊपर आ गया है। तो अभी हम इसको दोबारा से जो है मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं इसे पकाने के लिए। तो इसे पकाने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी बर्तन को लेना है और उसमें हम डालेंगे 5 कप पानी। तो इन पापड़ को बनाने के लिए हमारा 1 कप चावल के आटे के साथ टोटल 7 कप जो है पानी लग रहा है। पहले 2 कप डाल दिया था, अब मैंने यहाँ 5 कप पानी डाल दिया है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो जीरा या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ सिर्फ नमक डाला है। उसके बाद जो हमने चावल के आटे का घोल तैयार किया था ना, वो इसमें डाल दिया है। अब हमें बस इसको पकाना है। तो अच्छे से इसको लगातार चलाते हुए हम जो इसको पका लेंगे। तो जैसे जैसे चावल का आटा पकता जाएगा ये थिक होता जाएगा। तो लगातार इसको चलाते रहिए वरना इसमें जो है लम्स पड़ जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे इस तरीके से थिक हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। तो लगातार इसी तरीके से पकाते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इस तरीके से बबल्स आने लगे हैं और ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है, यानी कि अच्छे से पक चुका है और ये देखिए काफ़ी थिक भी हो गया है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। अभी मैंने कर दिया है गैस का फ्लेम ऑफ और क्योंकि मैं ये कलरफुल पापड़ बना रही हूँ तो मैं हाफ जो है ये दूसरे बोल में निकाल दूँगी। क्योंकि मैं 2 कलर के पापड़ बना रही हूँ तो मैं 2 जगह इस बैटर को जो है कर लूँगी। अगर आप और भी कलर के बनाना चाहते हैं तो इनको और पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। अभी मैंने यहाँ पर एक में रेड फूड कलर डाला है और दूसरे वाले में मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। दोनों में फूड कलर डालने के बाद अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये ग्रीन फूड कलर डाला है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस हमें इसके पापड़ बनाने हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसके पापड़ बना रही हूँ। तो मैं यहाँ एक पॉलिथीन शीट पर इसके पापड़ बना रही हूँ, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। तो इस तरीके से हम जो है इसके पापड़ बनाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है और 1 कप चावल के आटे से काफ़ी सारे पापड़ बन जाते हैं ये। इस तरीके से हम जो है सारे पापड़ों को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको 2 से 3 दिन की धूप में अच्छे से सूखने देंगे। तो 2 दिन की धूप में ये जो है अच्छे से सूख चुके हैं क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो ये अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए कितने पतले पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको इनको सेक कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें पापड़ को डाला है और ये देखिए ये हमारा पापड़ सिक चुका है। तो बिल्कुल जैसे हम मार्केट से पापड़ लेके आते हैं वैसे ही ये पापड़ हमारे बने हैं। तो आप भी इस तरीके से चावल के आटे के पापड़ बना सकते हैं और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं चावल के पापड़ आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।